अभी हम बुलाना चाहेंगे रुक्मी चंद जी को। अभी जैसे ही सर आते हैं एक बार हम तालियों से खड़े होकर स्वागत करेंगे। जस्ट अभी आने वाले हैं हमारे सामने, और अभी हमारे सामने आ रहे हैं आरएस में 18। सर
बहुत ही शानदार और कार्यक्रम अपना बहुत शानदार रूप ले चुका है। हम सर से आग्रह करेंगे कि आप स्थान ग्रहण करें और इसी बीच अब वक्त को देखते हुए मैं सहयोग जी सर से आग्रह करूंगा कि आप विद्यार्थियों को आगे बढ़ने के लिए क्या करना चाहिए, अपने अनुभव साझा करें। सहयोग जी सर, आज का जो ये स्वागत का कार्यक्रम है, मैं आरएस का जो सफर है, आईएएस का जो सफर होता है, या मैं यूं कहूं कि टॉप जो एग्जाम्स होते हैं उनका सफर किस प्रकार से तय करना चाहिए, सभी छात्र सभी जो कॉम्पिटेटिव हैं, आप सब लोग हुक्मी चंद जी की बात को बड़े गौर से सुने। और इससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, 2006 में मैं सीकर गया था। जब मैं सीकर गया था, ये जो अपना ढूंढार का जो क्षेत्र है, इसमें जो सीकर में जिस प्रकार से इंट्रोडक्शन होना चाहिए था, जो पहचान अपनी है, वो एक प्रकार से नगण्य गए थे। किसी प्रकार का कोई बड़ा चर्चा नहीं, कोई बड़ा कोई अपने कोई कारनामा नहीं, कोई विशेष चर्चा नहीं। शिक्षा के मामले में, किसी भी क्षेत्र के मामले में लोग बोलते थे वहां ढूंढाड़ी है, अरे आप कहां से आए हो, बैकवर्ड से हो, इस टाइप के जो सवाल होते थे। लेकिन मैं कह सकता हूं उसके बाद में 2010, 12 और जो 14 में और जो आज जो परिवर्तन देखने को मिला है, ये डेफिनेटली मैं कह सकता हूं कि जो ढूंढाड़, जिसकी कोई पहचान नहीं थी, जिसका कोई नाम नहीं था, आज लोग बड़े गर्व से और बड़े मतलब शान से अपने ढूंढाड़ का नाम लेते हैं। आप उस एरिया से बोल रहे हो जहां आईएएस बनते हैं। अभी आपने थोड़े दिन पहले नाम सुना होगा, मैं सोन इठरवाल नाम सुना था, सोन इठरवाल अपने जो अभी रिजल्ट आया अपना आरएस में और 18वीं रैंक, तो मैं कह सकता हूं कि इस क्षेत्र के लिए 18वीं रैंक जो मायने रखती है, ये अपने आप में एक गौरवान्वित करने वाली बात है। खूब सारी एग्जाम्स होती है, खूब सारे लक्ष्य होते हैं और आप अपनी मेहनत भी खूब, यहां पे जो टैलेंट है वो ढेरों है, आप में टैलेंट भी कूट कूट के भरी हुई है। लेकिन जरूरत किस बात की है, आप अपनी जो एनर्जी आपके टैलेंट को किस प्रकार से फॉलो करते हो। अभी जो रिजल्ट 2018 का रहा, इसमें अपना जो फर्स्ट स्थान है या जो पहला स्थान है, जो अव्वल है, उसका नाम भी अपने सीकर से जुड़ा हुआ है, यहां की बहू है मुख्तारा। तो इनका सबका मैं पिछले 5-6 रोज से इनके वीडियो वगैरह, इनके इंटरव्यू वगैरह या इनके बारे में जो जानकारी जुटा रहा हूं, उसमें एक बात कॉमन आती है। वो मेन बात क्या है, जो इन्होंने कार्य किया, जो लक्ष्य इन्होंने तय किया, उस पर अड़िग रहे। मेन महत्वपूर्ण बात यह होती है, उस पर डटे रहे, वहां से हिले नहीं। खूब प्रकार के आपको हिलाने के लिए खूब प्रकार की शक्तियां, खूब प्रकार की बाधाएं और बैरिकेड्स आएंगे, लेकिन वहां भी ये लोग लगातार स्टैंड रहे। जैसे मैं हुक्मी चंद जी के बारे में बताऊंगा कि 16 में जो इनका लक्ष्य था, ये 531 के साथ में समाप्त हो गया। तो इन्होंने 531 के बाद में ये नहीं रुका कि मैं आरएस में मेरा नहीं हो पाएगा, आरएस में पता नहीं मेरा क्या होगा, कैसे इंटरव्यू होगा, एग्जाम पास होगी नहीं होगी, मेरी अच्छी तैयारी होगी नहीं होगी, ये सारे सवालों को इन्होंने वहां पे बंद करके 2018 का टारगेट अपने हाथ में ले लिया। 18 का जो टारगेट है, और मैं तो कहूंगा कि महेंद्र जी का सहयोग देखिए, 18 में 18वीं रैंक, कौन सी रैंक आई है, 18वीं रैंक। तो इस प्रकार से इनका जो ये सफर रहा, बहुत सिंपल इजी, यानी कि आप आराम से आपका जो लक्ष्य है वहां तक जा सकते हैं। जरूरत है अपने जज्बे को बरकरार रखना और अपने जो टारगेट, अपना जो लक्ष्य है उसमें अड़िग रहना, डटे रहना, ये महत्वपूर्ण बात होती है। दूसरी, वर्तमान समय में इस कोविड काल में ज्यादा आपके ऊपर इफेक्ट कर रही है, इसको बोलते हैं सोशल मीडिया के साइड इफेक्ट।
इन्होंने इतना आपको कमजोर बना दिया है। आप मैं कहता हूं कि बहुत से बच्चे तो फैसले ले नहीं पाते कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, वीडियो देखते रहते हैं सुनते रहते हैं, सुबह उठते हैं शाम को पता नहीं क्या आज का टारगेट क्या था, मुझे क्या करना चाहिए था, जस्टिफाई नहीं कर पा रहे। तो एक ही बात कहूंगा, इस सोशल नेटवर्क को प्लीज आप थोड़ा कम करें। फिजिकली वर्क है, इसको ज्यादा फॉलो करना आप लोगों को, जिसको बोलते हो आप लिखित में जो काम करते हैं, इसको जितना ज्यादा समय दोगे वही अपना, जैसे मान लो कि आपकी जो तैयारी है उसमें पावर्टी बनेगी और ज्यादा सॉलिड आएगी उसमें। ये इसको आप एक प्रकार से इसको गांठ बांध ले, इसको पूरे दिमाग में अपने जहन बता ले इस बात को। जिन बच्चों को कई एग्जाम्स की उसकी जो गतिविधि होती है, किस प्रकार से एग्जाम होती है, कब उसका रिजल्ट आता है, कब उसका इंटरव्यू होता है, इन चीजों के बारे में भी मैं कहता हूं सिंपल जानकारी भी बहुत से लोगों को नहीं होती है। उनका लक्ष्य अच्छा होता है, मेहनती होते हैं, तो उनके लिए भी मैं विशेष रूप से बताना चाहूंगा। या इस प्रकार की अपनी आरपीएससी की जो एग्जाम है या यूपीएससी की एग्जाम है, इनके लिए अगर सब कुछ अच्छा रहा तो आज मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको बताना चाहूंगा कि आरएस प्री का जो बैच है वो भी बेहतर तरीके से आरएस के जो प्रतिभा आरएस के जो सफल लोग हैं इनके सानिध्य से या बहुत जल्द इसको अपन शुरू करने जा रहे हैं। अगर सब कुछ कोविड काल में या कोरोना जैसे मान लो एक अच्छा रहा, कोरोना आगे नहीं आया, थर्ड वेव नहीं आई और बहुत अच्छा रहा, तो वो दिन दूर नहीं कि आपको इसके लिए जयपुर सीकर या बड़े शहरों की ओर आपको अप्लाई नहीं करना पड़ेगा। वो सारा कार्यक्रम यहाँ पे आपको अच्छे रूम में ये जो सफल जो प्रतियोगी हैं इनके सामने अपन शुरू करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे आप आए, अब मैं ज्यादा समय नहीं लेते हुए उपमा जी से आग्रह करूंगा कि आप आए और अपने सफलता के बारे में आज के समय में वर्तमान में किस ओर आपका यूथ के सामने जो चैलेंजेस हैं या प्रतियोगी परीक्षाओं में किस प्रकार से जो चुनौतियां हैं उनके ऊपर आप संक्षिप्त विस्तार से आप बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद एक बार पुनः आपको इस क्लासेस की ओर से, पूरे स्टाफ की ओर से, सबकी ओर से, यह कह सकता हूं कि श्री माधोपुर आपका जो परिक्षेत्र है इसकी ओर से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई, धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? सबसे पहले तो विदाई फैमिली को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने मुझे यहाँ बुलाया और मुझे इतना सम्मान दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। विदाई फैमिली, उनके स्टाफ को, संयोग जी सर को, राकेश जी सर को, बहुत बहुत उनका धन्यवाद। अब हम बात करें, यदि मैं मेरी जर्नी की आपको बात बताऊं, यदि मैं जर्नी की बात बताऊंगा तो आपको कुछ सीखने को मिलेगा। सबसे पहले जर्नी की यदि हम बात करें तो जर्नी में आपको चाहिए क्या, तीन चीज चाहिए आपको, हार्ड वर्क चाहिए आपको। यदि आप में हार्ड वर्क करने की हिम्मत नहीं है कि आप मेहनत कर ही नहीं सकते तो सपने मत देखो। सपने देखने हैं, फर्स्ट ग्रेड लगना है, सेकंड ग्रेड लगना है, रीट पास करनी है, पटवारी बनना है, तो क्या लेके आना है, हार्ड वर्क लेके आना है। दूसरी चीज होती है पेशेंस, धैर्य, पेशेंस। आप जानते हो कि हमारी जो एग्जाम थोड़ी सी शिफ्ट हो जाती है, आज डेट आ गई फिर सरक गई, अपन क्या करते हैं एक बार तैयारी करते हैं फिर वापस कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है कि नहीं यार अब नहीं होगा, इस बार रीट में नहीं हुआ कि अगली बार भी नहीं होगा मेरा, तो नहीं होगा। यदि आप हार्ड वर्क करोगे तो आपका सिलेक्शन जरूर होगा, यदि आप पेशेंस रखोगे तो आपका सिलेक्शन जरूर होगा। आपका नहीं होगा तो बताओ किसका होगा भाई, कब होगा, लेकिन आप ईमानदारी से मेहनत करोगे। मैं मेरा जर्नी यदि मैं बताऊं, 2016 में मैं फर्स्ट टाइम आया था, फर्स्ट टाइम मैंने एग्जाम दिया, मैंने काफी मेरी तरफ से काफी अफर्ट्स डाले लेकिन नहीं हो पाया, मैं उस टाइम छोड़ देता, चल यार कंपनी ज्वाइन कर लेते, मेरा प्लेसमेंट हो रखा था, छोड़, नहीं हो पाया नहीं, लेकिन पैसे चाहिए था, पता था, क्योंकि मेरा जो टारगेट था वही था, क्योंकि आपका भी यही टारगेट, क्योंकि मेरे सपने थे कि सिविल सर्वेंट बनना है, सिविल सर्वेंट की जो इज्जत होती है उसको लेना है, सोसाइटी के साथ जो जुड़ के सोसाइटी ने अपने को दिया है उसको हमें रिटर्न करना है। तो आपके मन में यदि ये सपने हैं तो ये जो बीच में जो हर्डल्स आती है बाधाएं, जब तक बाधाएं नहीं आएंगी तो मजा ही नहीं है जर्नी का। तो जो जीवन में जो बाधाएं चल रही है, यदि आपके लाइफ में कुछ स्ट्रगल आते हैं, फेल हो गए एक बार कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम दोगे। 16 में मैं फेल हुआ, उसके बाद में जर्नी वापस स्टार्ट की, नहीं भाई इस बार जो टारगेट है वो ऊपर, इस बार प्रॉपर ही करना है, तो मैंने वापिस से
जो चीजें जो मेरी कमियां थी, आप अपना स्टडी मटेरियल, जैसे यदि मैं आपकी बात करूं तो आप अपना जो स्टडी मटेरियल है उसको चूज कैसे कीजिए। सबसे पहले अपने सिलेबस को देखिए, अपने वाले बच्चों में दिक्कत क्या होती है, पढ़ने लग जाते हैं, कुछ भी पढ़ रहे हैं, कुछ भी मत पढ़। सिलेबस को देखिए, अपने जो टीचर्स आपको जो बेस्ट नोट्स अवेलेबल कराए हैं उनको पढ़िए, वो अच्छे से आप याद कीजिए। उसके बाद में क्या है, नेशनल स्टैंडर्ड जो बुक्स हैं, राजस्थान बोर्ड की जो बुक्स हैं, आप उनको पढ़िए। तो उनको यदि आप पढ़ोगे, ईमानदारी के साथ यदि आप मेहनत करोगे, तो सफलता आपको जरूर मिलने वाली है। बीच में चीजों को नहीं छोड़ना होता। अपने जो बच्चे होते हैं ग्रामीण परिवेश के जो बच्चे होते हैं, उनके साथ समस्या क्या होती है, हम दो दिन पढ़ लेते हैं, टाइम टेबल भी बना लेते हैं, बढ़िया दीवार पे चिपका लेते हैं, फिर क्या करते हैं, दो दिन बढ़िया पढ़े, दो दिन बीच में कुछ आ गया चले गए, दो दिन घूमने चले गए, चलो यहां वहां घूम के आते हैं, दोस्त के पास जाते हैं, और दो दिन पढ़ाई छोड़ दी, बारह बारह घंटे पढ़े, कोई काम की पढ़ाई नहीं है। उससे बढ़िया क्या करो, छह छह घंटे पढ़ो, चार चार घंटे पढ़ो, लेकिन डेली पढ़ो, कंटिन्यूटी। मैं तीन ही मंत्र आपको देके जाऊंगा, क्या क्या, हार्डवर्क, पेशेंस और कंटिन्यूटी, श्योर सफलता आपको मिलेगी। सबसे इंपॉर्टेंट बात, यदि मैं फिर से रिपीट करूं, सिलेबस ओरिएंटेड पढ़ो। अच्छा बच्चे क्या करते हैं, कुछ भी जो आया वो पढ़ रहे हैं, जहां से मिल गया वो पढ़ रहे हैं, नहीं, एक सोर्स फिक्स करो। आपके टीचर्स जो आपको सोर्स दे रहे हैं, यदि वो सिलेबस ओरिएंटेड है, वो आप भी 10 बुक मत पढ़ो, एक बुक को 10 बार पढ़ डालो, अपने आप चीजें याद हो जाएंगी, बाहर से कहां से आएगा। और ये कुछ बच्चों में ये हो जाती है, सर मेरे तो परसेंटेज ही 50 है, मैं मेरा कुछ हो पाएगा भाई, पर 50 वाले ज्यादा सेलेक्ट होते हैं, 50 वाले ज्यादा सेलेक्ट होते हैं। इसलिए कभी भी अपने आप को नीचा मत समझो कि मेरे तो 50 है, 90 वाला ही हो पाएगा, नहीं, कोई जरूरी नहीं है। यदि आप मेहनत करते हो, होता क्या है, आपने भी देखा होगा 10th 12th क्लास में हमारे जो बच्चे होते हैं ग्रामीण प्रवेश के होते हैं, उनको क्या मौका नहीं है, या तो पढ़ते ही नहीं उस टाइम तक, तो इसका मतलब ये नहीं उनमें दिमाग नहीं है, क्योंकि वो पढ़े नहीं, क्योंकि वो उस टाइम सीरियस नहीं थे। जिस टाइम सीरियस हो गए, विवेकानंद जी ने कहा था कि जब जागो तभी सवेरा, तो जब तुमने टारगेट बना लिया तभी से तुम अपनी मेहनत को स्टार्ट कर दो ना, दिक्कत कहां है आपको। अब हमारे जैसे जो ग्रामीण पृष्ठभूमि के बच्चे यदि निकल गया, आप जानते हो हमारे पहले क्या क्या क्रेज चलता था, पहले फौज में सोचते थे मैं अच्छी मोटी फौज में जा सकते हो, इसके बाद में क्या सोचने लगे, मास्टर टीचर ये सोचने लगे, आरएस आईएएस ये हम सोचते ही नहीं थे, लेकिन धीरे धीरे क्या है, रास्ते खुलते। इसलिए आप भी रीट हो गई, पटवारी में सिलेक्ट हो गए, उसके बाद में अपना टारगेट बड़ा कीजिए, क्या बनना है, आरएस बनना है, आईएएस बनना है, एसआई बनना है, और बड़ा बनना है। तो अपने टारगेट को कभी छोटा, अपने आप को आत्मसंतुष्ट मत कीजिए, अपने टारगेट को बड़ा रखिए, ठीक है। और कोई यदि आपका किसी भी बच्चे का कोई क्वेरी है, आपका कोई क्वेश्चन है, तो पर्सनली आप खड़े होकर मुझसे पूछ सकते हो, शर्माओ मत। अपने ग्रामीण बच्चों की बड़ी दिक्कत ये होती है, शर्माते हो, शर्माना किस बात, शहर वाले बच्चे क्या होते हैं, पूछ लेते हैं, शर्म आती ही नहीं है, तुम सोचते हो बगल वाला क्या सोचेगा, अरे बगल वाले को ही नहीं आ रहा, वो सोचेगा क्यों, उसको कौन सा आ रहा है, तो वो सोचेगा। तो जो भी तुम्हारे डाउट होते हैं क्लास में, जो डाउट है वो आप पूछ सकते हो। और दूसरा, कुछ जो डिस्ट्रक्शन अपने बच्चों के साथ आ रहे हैं आजकल, सोशल मीडिया, सोशल मीडिया यदि आपको डिस्ट्रक्ट करती है तो कीपैड वाला फोन ले लोगे, क्योंकि सबसे ज्यादा आप ज्यादा टाइम देते हो वही कि मैं तो ऑनलाइन पढ़ूंगा, आपको यूट्यूब पे पता नहीं कौन कौन से वीडियो मिलते हैं, और आप क्यों क्या पढ़ाते हैं, इसकी जीके की कॉपी में छेद कर दो, ये कर दो, वो कर दो, छेद नहीं तो कुछ नहीं होता। आपको जो मटेरियल है, आपका जो सिलेबस दे रखा है, उसको पढ़ना है, क्योंकि छेद वेद करने वालों का कुछ नहीं होता, वो बैठे रहते हैं, सिलेक्शन उनसे जीरो होते। तो आप अब यदि ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है, विनायक फैमिली आपको बढ़िया चीजें अवेलेबल करवा रही है, तो आप यहां से जुड़िए, आप कंटिन्यूली ऑफलाइन क्लासेस यदि आप कर पा रहे हो उसको कीजिए, और कोई समस्या है तो यहाँ पे आपको चीजें अवेलेबल है, और कोई किसी प्रकार का यदि आपके पास डाउट है तो आप एक एक करके पूछिए, हाँ पूछिए, हिम्मत कीजिए, खड़े होने की हिम्मत कीजिए। बुक लिस्ट है, सबसे पहले आपके जो नोट्स हैं, आप सबसे पहले यदि मैं पढ़ने का आपको थोड़ा सा तरीका बताऊं, क्या करना है, आपका जो सिलेबस है जैसे हिस्ट्री ज्योग्राफी दो सब्जेक्ट उठालो, पहले उनको पढ़ाओ, खत्म कर दो उनको, उसके बाद में पॉलिटी और इकोनॉमिक्स दो उठाओ, उनको खत्म कर दो, पीछे वाले को दो दिन में वापिस रिविजन करो। ऐसे मत करो कि एक साथ पांच फ्रंट खोल लिए, अरे कभी लड़ाई करते तो पांच फ्रंट एक साथ नहीं खोले जाते, फ्रंट वाइज लड़ाई लड़ी जाती है, तो तुम एक साथ पांच फ्रंट खोलोगे सारे हार जाओगे, तो फिर बचेगा क्या। इसलिए
दो सब्जेक्ट उठाइए, दो सब्जेक्ट के हिसाब से चलिए। बुक लिस्ट की बात करें, बुक लिस्ट जो है सबसे ऑथेंटिक जो बुक्स होती है आपकी राजस्थान बोर्ड की बुक है। आपका सिलेबस में जितना दे रखा है उतना पढ़िए, ये नहीं कि राजस्थान हिस्ट्री की किताब डाली, सिलेबस में तीन टॉपिक है आप पूरा पढ़ लिया। बुक लिस्ट हालांकि लंबी है, वो मैं आप लोगों को कभी यदि मैं दोबारा मेरा मौका मिला जब सर सेमिनार करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा, जब आर एस का जो सिलेबस और सेमिनार होने वाला है तब मैं आपको जो पूरी बुक लिस्ट है वो अवेलेबल करूंगा। लेकिन यदि अभी तक आप रीड की फर्स्ट ग्रेड की कर रहे हो तो आरबीएससी की बुक आप रेफर कर सकते हो और करनी है, क्योंकि वहां से डायरेक्ट सब्जेक्ट वो सॉरी जो क्वेश्चन है आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पूछो भाई, नारी शक्ति पूछो। महिलाएं आजकल सबसे आगे बढ़ रही, चाहे 41 साल की उम्र में फर्स्ट रैंक लेके आ रहे हैं 10 साल का गैप के बाद में, तो आपको तो आगे आना चाहिए, आपकी ज्यादा जरूरत है तो सोसाइटी को, शर्माओ मत, पूछो। नहीं ऐसा होता है यूपीएससी में, नहीं ऐसा नहीं होता, हम हिंदी मीडियम के हैं, मेरे मैक्सिमम ग्रेड 80% वाले हिंदी के हैं, 20% वाले इंग्लिश के हैं, और मीडियम यदि आपको चूज करना है तो आप खुद कंफर्ट किसमें होते हो, आप जब अपना आंसर लिख रहे हो तो आप इसमें कितना कंफर्ट हो, जिसमें जितना कंफर्ट उसी में लिख डालो। आर एस में तो मीडियम का सोचना ही नहीं है, शुरू से हिंदी तो हिंदी, शुरू से इंग्लिश तो इंग्लिश, उसमें डाउट ही नहीं रखना, क्योंकि स्टडी मटेरियल यहाँ बेटर अवेलेबल है। यूपीएससी में इंग्लिश मीडियम के लिए मटेरियल है अच्छा अवेलेबल है, हिंदी के लिए कम ही है, इसलिए लोग वहां पे जो मीडियम का इश्यू होता है। ठीक है, हाँ नेक्स्ट, और कोई डाउट या डाउट खत्म? सर मैं पूछूंगा, यस सर, एक तो ना कितनी देर लगभग पढ़ना चाहिए, जैसे कि कितनी देर में पढ़ना ही पड़ता है, ये ज्यादातर रहते ही है 25 मिनट। हाँ, तो पढ़ने का तरीका ये होता है कि अपना टारगेट बनाइए, भाई आज पॉलिटी के ये एक चैप्टर पॉलिटिकल, एक चैप्टर हिस्ट्री का, अब कोई बच्चा उसको 2 घंटे में कराता है 2 में कर दो, जिसको 4 में होता है वो 4 पढ़ लो, जिसके 6 में होते 6 पढ़ लो, ये नहीं होता कभी 14 घंटे पढ़ो, जब पढ़ोगे 18 घंटे पढ़ोगे तभी सिलेक्शन होता, नहीं कोई गारंटी नहीं है। जितनी स्मार्ट स्टडी करोगे, जितना टारगेट ओरिएंटेड स्टडी करोगे, टारगेट बना लिया आपने इतना पढ़ना है आज के दिन में, इतना पढ़ना है वो पढ़ दिया खत्म, ये मत सोचो कि टाइम टेबल बनाते हो, है ना, तो टाइम टेबल तो दीवारों पे चिपकने के लिए होता है, वो दिखाने के लिए, फॉलो कोई नहीं करता, मुझे भी पता है आपको भी पता है कोई फॉलो नहीं करते, कुछ करते होंगे हालांकि वो बुरा मत मान मत कर सकते हो कुछ लोग, लेकिन ज्यादातर नहीं करते। तो करना क्या है, टारगेट ओरिएंटेड, टारगेट लेना है आज ये हिस्ट्री का टॉपिक, ये राजस्थान ज्योग्राफी का टॉपिक कंप्लीट करना, ये कभी भी हो जाए, रात लग जाए दिन लग जाए जितने घंटे लगते हैं उतने में करना है। अब लोगे कितना टारगेट वो आपकी कैपेसिटी, आपको लगता है कि इतना मेरे से याद हो जाएगा, तो 2 घंटे से ज्यादा एक चैप्टर एक सब्जेक्ट को मत पढ़ो, एक साथ 2 या 3 सब्जेक्ट पढ़िए, कभी भी एक सब्जेक्ट को एक दिन में खत्म करने की कोशिश मत करिए, कुछ याद नहीं रहे। ठीक है, और सर एक ये रहता है ना पढ़ाई का समय, सुबह देखिए दोपहर में रात को कब लगता, ये कोई फिक्स नहीं है, ये हर आदमी का इंडिविजुअल है। मैं 11 बजे उठता हूँ, मैं मेरी आदत है 11 बजे उठ के पढ़, लेकिन मैं 2 बजे तक पढ़ सकता हूँ, तो तुम लोगों में भी कुछ 4 बजे उठ के पढ़ते होंगे, कहीं रात के 2 बजे तक पढ़ते होंगे, ये सबका इंडिविजुअल होता है, जिसको जिस टाइम कंफर्ट होता है, जिसके घर में जिस टाइम शांति होती ना, जब तुम्हें कोई डिस्टरबेंस नहीं होता, मम्मी पापा नहीं लड़ाई करते जिस टाइम, उस टाइम पढ़ लेना, है ना, बाकी टाइम में घूम लेना, तो जिस टाइम डिस्टरबेंस नहीं होता, जिस टाइम तुम्हारा दिमाग ज्यादा काम करता उस टाइम पढ़ो, ये कोई मिथ नहीं है, सुबह उठ के 4 बजे पढ़ोगे तभी सिलेक्शन होगा, नहीं कोई जरूरी नहीं। बिल्कुल भाई, इंजॉय करना है, लेकिन इंजॉय सोशल मीडिया पे तो बिल्कुल नहीं करना, इस सोशल मीडिया से दूरी बना लो जब तक सिलेक्शन नहीं होगा। मैं अपना बताता हूँ, मुझे फेसबुक चलाने की इतनी आदत थी कि मैं 6 घंटे फेसबुक चला लेता था लगातार बैठ के। जब मैंने तैयारी स्टार्ट की 16 में, बड़े भाई साहब थे, उन्होंने कहा कि ये फोन तो मेरे को दे दे, ये डब्बा ले ले, वो डब्बे वाला फोन है कीपैड जिसको बोलते हैं, कीपैड वाला फोन ले ले। तो यदि आपको सोशल मीडिया से डिस्ट्रक्शन है तो इस मल्टीमीडिया फोन को बंद कर दो, साल भर में कुछ नहीं होगा, आपके दो दोस्त है वो अपने आप आपको याद करेंगे, कोई बेवफा नहीं होने वाला तुम्हारे साथ, यदि नहीं लगे तो बेवफा नौकरी नहीं लगी तब तो ये मान लो सगाई और ही कहीं होगी, फिर तुम्हें लग रहा ना बैठी बैठी में कुछ नहीं होता, नौकरी पे है सब कुछ, इसमें नौकरी लग जाओगे
शादियों की क्या आ जाएगी, बाढ़ सगाइयों की बाढ़ आ जाएगी, वो भी आ जाएगी जिसकी आप सपने देख रहे हो, वरना तो फिर जानते हो आप है? तो एंजॉय, हाँ एंजॉय करना है, अपने अच्छे दोस्तों के साथ आपको एंजॉय करना, ये नहीं करना कि आपको केवल पढ़ाई करनी, नहीं, लाइफ ऐसे भी नहीं है, लेकिन इतना एंजॉय भी नहीं करना, 15 मिनट बात कर ली, 10 मिनट, 1 घंटे, कभी वीकेंड पे आपने मूवी, हालांकि अपने यहाँ तो वो भी लफड़ा नहीं है तुम्हारे को कि मूवी देखने जाना है, कहीं जीटी में घूमने जाना है, ये भी डिस्ट्रक्शन नहीं है, तो अच्छी बात है। तो अपने जो पड़ोस वाले जो फ्रेंड है उसे बदला, ठीक है, तो एंजॉय साथ साथ रखना है, ऐसे बिल्कुल ही डिस्करेक्ट नहीं हो, लेकिन बहुत कम, क्योंकि जर्नी बड़ी संघर्ष भरी होती है, त्याग करना पड़ेगा, जब मरते मरोगे तभी तो स्वर्ग मिलेगा, ऐसे थोड़ी यहां बैठे मिल जाएगा, तो मरना तो पड़ता है, तपस्या तो करनी पड़ती है, जब तक तपस्या नहीं करोगे अब नहीं है। जी सर, और एक सर ना ज्यादातर हमारे ये रहता है कि हम ना किस चीज के लिए बने ये निर्धारित नहीं कर पाते, तो ये कैसे करें कि मुझे किस चीज की तैयारी करनी है? ये देखो आपका पोटेंशियल है, आप कहां तक सोचते हो, दूसरी आपकी कंडीशंस कैसी हैं, फाइनेंशियल कंडीशन यदि आपकी अच्छी है तो आप बड़ा टारगेट सीधा देख सकते हो, यदि आपकी अभी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है तो आप पहले पोस्ट ले लीजिए, आप स्टेबल हो जाइए, उसके बाद में अपने टारगेट को अपवर्ड कर सकते हो। और अभी आपको विनायक फैमिली यहाँ पे श्री माधोपुर में आपको इतनी बढ़िया, आपको जयपुर के खर्चे ही 10,000 रुपए महीने का खर्चा होता है, 10,000 रुपए आप पूरी कोचिंग कर ले तो इससे बढ़िया चीज यहाँ क्या हो सकती है। तो आप पहले अपना टारगेट कीजिए छोटा, यदि आप फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं हो छोटा लीजिए, वरना अपना बड़ा टारगेट कर सकते। आपका जो टारगेट है उस पर आपको विश्वास नहीं है, या आप उस टारगेट को आपने अपने दिल में बसाया नहीं है, अरे टारगेट को दिल में बसा लो कि यही बनना है, यही बनेंगे तभी तो कुछ है। तो जब आपका जो मोटिवेशन, देखो कभी बाहर से नहीं आता, मैं करके जाऊंगा आज, करके जाऊंगा कल तक तुम में रहेगा, कल वापिस समाप्त हो जाएगा, कब आएगा मोटिवेशन, कब आता, जब अंदर से, अंदर से आग जलाओ, अपने अंदर आग जलाओ, मास्टर बनना ही है यार, पटवारी बनना ही है, आरएस बनना ही है, तब अपने आप मोटिवेशन मिलेगा, क्योंकि जर्नी बहुत लंबी होती है, लॉन्ग टर्म मोटिवेशन चाहिए, और लॉन्ग टर्म मोटिवेशन कब मिलता है, जब अंदर से आग जली, इसलिए अपने अंदर जो टारगेट है सपना देखो कि यार आरएस बनना है, यार पटवारी बनना है, मास्टर बनना है, वो टारगेट रहेगा तो ये कभी चीज आएगी नहीं, ये कब आती है, आपका टारगेट छोटा है, आप अपने टारगेट के प्रति डेडिकेटेड हो ही नहीं। सर जी, सभी बातों में मतलब जो विद्यार्थी हमसे आज तक रूबरू हुए उन्होंने जिस प्रकार के क्वेश्चन हमसे किए, कोशिश की थी बताने की, लेकिन आज सर के मुखारवे से यह शब्द सुन के बड़ा ही अच्छा लगा, और किस प्रकार अपने अध्ययन को गति दे सके ये भी हमारे सीखने को मिला, और साथ ही साथ ये भी बताया सर ने कि अगर मन नहीं लगता तो क्या करें, तो जिस जगह लग रहा है वहां से थोड़ा थोड़ा हटाना पड़ेगा और अपने टारगेट की तरफ मुड़ना पड़ेगा। बहुत शानदार, छोटा टारगेट धन्यवाद सर, सभी विद्यार्थियों की ओर से कि आप अपने अमूल्य समय में से निकाल कुछ समय निकालकर हम तक बता रहे हैं।